नमस्कार मित्रों, मैं स्मिता मिश्रा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। फ्रेंड, इस क्लास में हम यूसी नेट जीआरएफ की चौथी इकाई वैचारिक पृष्ठभूमि को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम स्त्री विमर्श को पढ़ेंगे। तो स्त्री विमर्श अगर आपने पढ़ा है तो बेस्ट है, अगर नहीं पढ़ा है तो इस क्लास में मैं आपको सभी जो लेखिकाएँ हैं उनकी सभी रचनाएँ जो स्टार्टिंग में कब से जो है वैचारिक पृष्ठभूमि स्त्री विमर्श की जो है आरंभ हुआ है, विकास हुआ है, किस सन से हुआ है, किस ईस्वी से हुआ है, सारी चीज़ों पर मैं डिस्कशन करूँगी। तो फ्रेंड, आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मुझे आशा है कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएंगे। तो फ्रेंड, उससे पहले मैं आप लोगों को छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही आप हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई भी नोट्स नहीं है, कोई भी मटेरियल नहीं है, तो आप हमारे कंप्लीट कोर्स को ले सकते हैं, जिसमें आपको 31 प्रैक्टिस सेट और वन लाइनर क्वेश्चन और सभी यूनिट जो नेट जीआरएफ में लगी हुई हैं उनके जो है नोट्स मिलेंगे। इन सारी चीज़ों को लेने के लिए आपको कांटेक्ट करना होगा इस नंबर पे जो आपको यहाँ पे सामने दिया गया है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बहुत ही कम फीस में उपलब्ध हो जाएंगी, साथ ही फर्स्ट पेपर आपको उपलब्ध कराया जाएगा नेट जीआरएफ का, और आपको ये क्लासेस पीडीएफ में मिलेंगी, क्लासेस सारी फ्री मिलेंगी, ठीक है। उसके साथ ही हमारे चैनल के माध्यम से आपको डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास कंप्लीट कराया जा रहा है। साथ ही फ्रेंड बता दूं कि जो अभी आने वाली है वैकेंसी यूपी एचईएससी की, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग सेवा से जो वैकेंसी आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप अगर उनकी भी क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारी फ्री क्लासेस मिलेंगी यूट्यूब पे ही, ठीक है। तो आप ज़रूर इस चैनल को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो फ्रेंड चलते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो पहले तो फ्रेंड हम बताना चाहेंगे कि जो स्त्री विमर्श है उसे नारीवाद या नारी विमर्श भी कहा जाता है। इसका प्रारंभ कब हुआ, इसके संबंध में विद्वानों के क्या मत हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस क्लास में। तो फ्रेंड, स्त्री विमर्श जो है इसका विकास माना जाता है, इसका आरंभ माना जाता है 20वीं शताब्दी में। कुछ लोग इसका प्रारंभ फ्रांसीसी लेखक सिमोन द बुआ की पुस्तक द सेकेंड सेक्स से मानते हैं, जिसका प्रकाशन 1949 में हुआ था। नेक्स्ट पुस्तक है थिंकिंग अबाउट वीमन, जो मैरी इलमन के द्वारा लिखी गई है, जिसका प्रकाशन 1968 में हुआ है, तो उससे कुछ लोग मानते हैं। लेकिन मैन जो है द सिमोन बुआ जो है, जिनका द सेकेंड सेक्स जो रचना है 1949 में प्रकाशित हुई, मैन यही है कि इसी से स्त्री विमर्श की का विकास माना जाता है, यहीं से स्त्री लेखन का जो है विस्तार हुआ है ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है सात में जो आपकी हिंदी साहित्य में आती हैं, जो प्रभा खेतान, उन्होंने उपनिवेश में स्त्री लिखा है 2003 में, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है। तो अब हम चलते हैं देखेंगे आज की क्लास में जो मेन फैक्ट हैं उनको। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो क्रमागत पूछे जाएंगे, या फिर आपको मैच करने के लिए पूछे जा सकते हैं, या फिर कोर्ट में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से देखेंगे कि समग्रता से समकालीन स्त्री कविता पितृसत्तात्मक समाज के दोहरे मापदंडों एवं वर्जनाओं को तोड़ने वाला लेखन है। जो स्त्री लेखन है ये परंपराओं को, पितृसत्तात्मक समाज को जो है उनकी परंपराओं को तोड़ने वाला लेखन कार्य है। यह उससे बाहर निकलने का स्वप्न लेकर उसे दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ जूझने के माध्यम से संपन्न कविता है। इस रूप में समकालीन स्त्री कविता संघर्षशील स्त्री के मुक्ति के प्रयत्नों और सशक्तिकरण के दस्तावेज के रूप में सामने आ रही है। तो यहाँ पे ये मैन फैक्ट दिए हैं। अब हम यहाँ पे जो रचनाएं दी गई हैं, जो रचनाकार हैं, जो स्त्री लेखिकाएं हैं, उन्होंने रचनाएं लिखी हैं उनके बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड पहले तो हमने देखा है कि स्त्री विमर्श का जो है विकास कब से हुआ है, किस सदी से माना जाता है, तो जो है 20वीं सदी से ही इसका प्रारंभ माना जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले दी गई है द सेकेंड सेक्स, जो लिखी है सिमोन दी
बुआ ने, ठीक है। यहाँ पे वो वार लिखा है तो कहीं पर बुआ लिखा है, ठीक है, तो आप इसे ज़रूर देख लीजिए 1949 में ये प्रकाशित हुई थी। थिंकिंग अबाउट वीमन जो मैरी एलन के द्वारा लिखी गई है 1968 में। ए रोम ऑफ वंस ऑन वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखी गई है 1929 में। वैसे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द सेकेंड सेक्स जो है उससे पहले ए रोम ऑफ वंस ऑन प्रकाशित हुई है 1929 में। तो अब इसका रीजन क्या है, इसके बारे में हमें जो है सर्च करना होगा कि फिर इस रचना को पहली रचना क्यों नहीं माना गया है, है ना। तो इस चीज़ को जब हम डीपली पढ़ेंगे तो इनके बारे में सर्च करना होगा, तब हम इसके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है सिमोन की लंबी कहानियों का अनुवाद जो है किसने किया है, तो सिमोन की लंबी कहानियों का अनुवाद जो है ललित कार्तिकेय ने किया है एक गुमशुदा औरत की डायरी के नाम से। एक गुमशुदा औरत की डायरी जो है किसने लिखी है, ललित कार्तिकेय ने लिखी है। द सेकेंड सेक्स का अनुवाद प्रभा खेतान ने किया है स्त्री उपेक्षिता नाम से किया है, और प्रभा खेतान ने ही लिखी है रचना, प्रभा खेतान ने लिखी है उपनिवेश में स्त्री 2003 में, जो हिंदी की घोषित नारीवादी लेखिका मानी जाती हैं। हिंदी की आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी की घोषित नारीवादी लेखिका कौन है, तो वह प्रभा खेतान ही हैं। नेक्स्ट चलेंगे, अब हम रचनाएं देखेंगे और उनकी रचना करने वाली लेखिकाएँ जो हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले आती हैं प्रभा खेतान, जिन्होंने लिखा है उपनिवेश में स्त्री मुक्ति कामना की 10 वार्ताएं। तो इसमें 10 वार्ताएं दी गई हैं, 2003 में ये प्रकाशित हुई है। बाजार के बीच, बाजार के खिलाफ, भूमंडलीकरण और स्त्री के प्रश्न। नेक्स्ट आती हैं उषा महाजन, जिन्होंने बाधाओं के बावजूद नई औरत 2001 में लिखा है। बाधाओं के बावजूद औरत 2001 में उषा महाजन ने ये रचना लिखी है। फिर आती हैं आशा रानी वोहरा, स्त्री सरोकार 2002, औरत कल आज और कल 2011 में लिखी है, विश्व की प्रसिद्ध महिलाएँ। फिर आती हैं राधा कुमार जी, जिन्होंने स्त्री संघर्ष का इतिहास, जिन्होंने इतिहास लिया है 1800 से 1990 के बीच का। नेक्स्ट आती हैं डॉक्टर के एम मालती, जिन्होंने स्त्री विमर्श भारतीय परिप्रेक्ष्य लिखा है। किरण वेदी, यह संभव है, इट्स ऑलवेज पॉसिबल का अनुवाद किया है, इट्स ऑलवेज पॉसिबल या संभव है। मन्मथ नाथ गुप्त जो हैं, इन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों का रोमांचकारी इतिहास लिखा है। जाहिदा हिना ने पाकिस्तानी स्त्री यातना और संघर्ष लिखा है। सुधीर चंद ने रखमाबाई स्त्री अधिकार और कानून 2012 लिखा है। कुमुद शर्मा ने लिखा है आधी दुनिया का सच, जो कुमुद शर्मा है इन्होंने लिखा है आधी दुनिया का सच, स्त्री विमर्श में ही आता है। प्रियदर्शनी, आपसे ये इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी रचना अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो आप इसे रोंग कर सकते हैं। आधी दुनिया का सच जो है स्त्री विमर्श में ही आती है, कुमुद शर्मा की ये रचना है। प्रियदर्शनी विजयश्री, इन्होंने लिखी है देवदासी या धार्मिक वैश्या एक पुनर्विचार। अनामिका, इन्होंने लिखी है स्त्री विमर्श का लोकपक्ष 2012, मौसम बदलने की आहट 2012, स्त्री विमर्श की उत्तर कथा 2012, मन माँजने की जरूरत 2008, त्रियाचरित उत्तरकांड, पानी जो पत्थर पीता है, अनामिका ने ही यह रचना लिखी है। पानी जो पत्थर पीता है स्त्री विमर्श से ही रिलेटेड रचना है। निर्मला भूरड़िया, इन्होंने लिखी है गुलामी मंडी, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। शैलेंद्र सागर और रजनी गुप्ता ने लिखी आज़ाद औरत कितनी आज़ाद 2012-13, मुस्कराती औरतें 2008। ये रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, आप इन सभी को चाहें तो नोट कर सकते हैं। रंजना जायसवाल, इन्होंने स्त्री और सेंसेक्स लिखा है, और मेघ बरसते रहे। बृंदा करात ने लिखी है जीना है तो लड़ना होगा। मनीषा ने लिखा है हम सब भी औरतें 2008। सुधा अरोड़ा ने लिखी है हम आम औरत जिंदा सवाल 2009, एक औरत की नोटबुक। सुधा अरोड़ा ने ही लिखा है हम सभ्य औरतें, मनीषा जी ने लिखी है। फिर आते हैं आगे देखेंगे, मृदुला सिन्हा जो है इन्होंने लिखा है मात्र देह नहीं है औरत 2009, बिटिया है विशेष। विभा रानी ने लिखी है छम्मक चलो कहिस 2013। नेक्स्ट है संजय गर्ग, जिन्होंने लिखी है स्त्री विमर्श का कालजयी इतिहास संपादित हो चुका है 2012 में। कुसुम त्रिपाठी ने और इतिहास रचा है तुमने औरत इतिहास रचा है तुमने 2012 में संकलित हुआ है, ये प्रकाशित हुआ है कुसुम त्रिपाठी का। विष्णु प्रभाकर, बहुत ही मैन पॉइंट है यहाँ पे, मैं नारी हूँ जो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है दो भागों में, भाग एक भाग दो, मैं नारी हूँ इस विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। नासरा शर्मा, औरत के लिए औरत 2007। गीताश्री, इन्होंने लिखी है स्त्री आकांक्षा के मानचित्र 2011, औरत की बोली 2012,
सपनों की मंडी। नेक्स्ट आती हैं रमणिका गुप्ता, जिन्होंने बहुत ही अच्छा आपहुदरी रचना भी लिखी है, इन्होंने आत्मकथा लिखी है आपहुदरी। इन्होंने ही स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास लिखा है रमणिका गुप्ता जी ने। चित्रा मुद्गल ने लिखा है तहखानों में बंद अक्ष। नीरजा माधव ने लिखा है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 1857 से 1947। नेक्स्ट है मृणाल पांडे, जिन्होंने लिखा है स्त्री लंबा सफ़र, परिधि पर स्त्री, स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक, ओ ओ बेरी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक मृणाल पांडे की रचना है। भारतीय स्त्री का प्रजनन और यौन जीवन, जहाँ औरतें गढ़ी जाती हैं बंद गलियों के विरुद्ध ध्वनियों के आलोक में, स्त्री 2015। तो यह समय जो है 2015 का रहा होगा जब इन्होंने अपनी रचनाएँ लिखी हैं। नेक्स्ट है निष्ठ रचना है सरला माहेश्वरी, नारी प्रश्न, दुष्यंत, स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र 2012 तक। निष्ठ राजेंद्र यादव, जिन्होंने लिखा है आदमी की निगाह में औरत, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य औरत, उत्तर कथा। तापी धर्माराव, जिन्होंने लिखा है प्रजनन तंत्र दैव तथा दैवी भावना। वर्जीनिया वुल्फ, जो भूमिका लिखी अपना एक कमरा। निष्ठ है के वंजा, जिन्होंने इको फेमिनिक रचना लिखी है। डॉक्टर सुधा बालकृष्णन ने लिखी है नारी अस्तित्व की पहचान 2013। मैत्रेयी पुष्पा ने लिखी है खुली खिड़कियां, सुनो मालिक सुनो, चर्चा हमारा 2011, आवाज़ 2012। मैत्रेयी पुष्पा जी ने लिखी है खुली खिड़कियां, सुनो मालिक सुनो। नेक्स्ट है विजय शर्मा, जिन्होंने लिखा है अफ्रो अमरीकन साहित्य स्त्री स्वर 2014। रोहिणी अग्रवाल ने लिखी है स्त्री लेखन स्वप्न और संकल्प, साहित्य की जमीन और स्त्री के उच्छ्वास। तो फ्रेंड, ये कुछ रचनाएं थी जो हमने स्त्री विमर्श में इस क्लास में देखी हैं वैचारिक पृष्ठभूमि में। तो फ्रेंड, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस टाइप के आप कौन सी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि में, किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। आप लोग जो कमेंट में लिखते हैं कि वैचारिक पृष्ठभूमि पढ़ना है, लेकिन वैचारिक पृष्ठभूमि में कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम उसी टॉपिक पे आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। जिस तरीके से हमें ये कमेंट मिला है कि वैचारिक पृष्ठभूमि में स्त्री विमर्श को लेकर आइए, तो हम आज इस क्लास में वैचारिक पृष्ठभूमि को लेकर आए हैं, जिसमें हमने स्त्री विमर्श को पढ़ा है। साथ ही हम इसके क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही फ्रेंड, आपको बता दें कि मैंने एक बार फिर बताया है कि जो PHSC की वैकेंसी आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप अगर नेट क्लियर हैं तो आप जो इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको GK GS पढ़ना होगा और आपको हिंदी साहित्य पढ़ना होगा। तो अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस जो है फ्री क्लासेस आएंगी, जिसमें हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इसी टाइप से अपने नोट्स भी बनाते रहिए, नोट्स बनाकर रिवीजन करते रहिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड, यहीं पे एंड करेंगे आज की क्लास को, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।